हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर टर्टल के शेल में वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं या रॉट हो रहा है या गंदा हो रहा है तो उसको किस तरीके से क्लीन करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टर्टल है ये थोड़ा बड़ा हो चुका है, दो अंदर हैं, तो आप इस पर देख सकते हैं कि इस पर वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं थोड़े, और प्लस गंदा सा हो रहा है, तो इसको मैं भी आपको बताऊँगा कि कैसे क्लीन करना है। सो टर्टल को पहले हल्का सा गीला कर लें उसके शेल को और छोड़ दें। अब आप कुछ इस तरीके से ब्रश लीजिए, उसमें डिटॉल लिक्विड लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, जब आप टर्टल को होल्ड कर रहे हो तो आप इस तरह इसे सेंटर से पकड़िए, बिकॉज वाइल क्लीनिंग दे माइट बाइट यू। अगर आप इस तरीके से सेंटर से पकड़ रहे हैं सो क्लीनिंग के टाइम अगर वो नाखून भी मार रहा है तो आपको नहीं लगेगा और आपकी ग्रिप अच्छे से बनी रहेगी टर्टल पे। अब ब्रश लेके आपको कुछ इस तरीके से इसको वॉश करना है, सर्कुलर वे में, आउटवर्ड टू इनवर्ड। पर ध्यान रखें कि आप जेंटली उसको ब्रश करिए, ज़्यादा प्रेशर ना डालिए, और इजीली इसी तरह सिर्फ ब्रश करते रहिए पूरे टर्टल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, जब आप टर्टल को ब्रश कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप कुछ इसको इस तरह पकड़े हुए ताकि जो सोप है टर्टल के मुंह में ना जाए, अदरवाइज वो बहुत इरिटेट होगा और आप उसको साफ नहीं कर पाओगे। तो आप उसको इस तरीके से होल्ड करें ताकि सारा सोप नीचे ड्रॉप हो। बैक शेल को आप कुछ इस तरीके से जेंटली से क्लीन करिए और ध्यान रखें कि जहाँ पर वो रॉट हो रहा है वहाँ पर आप आराम से ब्रश बार बार करें। अब जब आप टर्टल को वॉश कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपने टर्टल को इस पोजीशन पे पकड़ा हुआ है जो सारा सोप नीचे गिर रहा हो और उसके मुंह पे ना जाए। अब बेसिकली अगर टर्टल का शेल रॉट होने लगा है तो आप एक कॉटन लीजिए और डिटॉल लिक्विड ले लीजिए, और टर्टल के ऊपर जहाँ पर भी इफेक्टेड एरिया है, जहाँ पर भी रॉट हो रहा है, वहाँ पर प्रॉपरली धीरे धीरे आप इस तरीके से इस पर डैप कीजिए। बेसिकली आप पूरे ही शेल पर डैप कर दीजिए बिकॉज जो भी इन्फेक्शन है वो चली जाए। सो इसको डैप करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से प्रॉपर डिटॉल अप्लाई करने के बाद टर्टल को एक घंटा बाहर रख दीजिए, और एक घंटे के बाद उसको वॉश करने के बाद अगेन आप अपने एक्वेरियम में डाल दीजिए। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से शेल को आप साफ कर सकते हैं, और परेशान मत होइए। आप इस तरीके से शेल को साफ कर सकते हैं, और अगर ये रॉट हो रहा है तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से टर्टल के शेल को साफ कर सकते हैं, अगर रॉट भी हो रहा है तो डोंट वरी। आप इसको जो मैंने तरीके बताए हैं उसको आप हफ्ते में 2-3 बार कीजिए, जिससे कि वो आराम से ठीक हो जाएगा और इट विल बी बैक टू द नॉर्मल। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आई कीप ऑन मेकिंग माई वीडियोज़। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।